प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रल में एक नए फॉर्मेट को पढ़ेंगे और वो फॉर्मेट है 1/√ax² + bx + c और इस फॉर्मेट को इंटीग्रेट करना। तो बच्चों आपको ध्यान रहे कि जब x² + bx + c के फॉर्म में रहे तो सबसे पहला काम होता है कि हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, इसका कंसेप्ट मैं आपको बहुत पहले दे चुका हूँ, फॉर्मूला भी सिद्ध में कर चुका हूँ। अभी हम लोग अदर बुक से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। आइए मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। क्या है क्वेश्चन कि 1/√x ((1 − 2x) इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फैक्टर को आप तोड़िए। कैसे तोड़िएगा, यहां पर आइए तो i = हो जाएगा dx/√x − 2x² और एक चीज देखिए कि यदि x² आपका निगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव बना लीजिए, माइनस को कॉमन लेकर। यहां पर देखिए निगेटिव में है तो आप माइनस को कॉमन लेकर पॉजिटिव बना लीजिए, dx/√ − 2x² - x हो जाए। और अब आपको अंदर बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। कैसे बनेगा देखिए, तो i = dx/√ − √2x² a² - 2 a² - 2 a b। अब b के जगह क्या दीजिएगा ताकि आपका सिर्फ और सिर्फ x बचे। अब वैसे बात है 2√2 यहां पर मल्टीप्लाई में है, आप उससे डिवाइड कर लीजिए, यानी कि आपको 1/√2 देना पड़ेगा। और अब देखिए बाबू, a² - 2ab + b² होना चाहिए, यानी कि +1/√2² और यदि आप फालतू का प्लस किए हैं, फालतू का आप कर दीजिए माइनस। और एक चीज चेक कीजिए कि यहां पर कुछ और बच गया क्या, तो देखिए यहां पर और कुछ भी नहीं बचा है तो छोड़ दीजिए। और अब बाबू देखिए क्या करना है, अब यहां से यहां तक आपका हो गया परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि i = dx/√ यहां से यहां तक परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि √2x - 1/√2² और इसको लिख दीजिए -1/√2² लिख दीजिए। ठीक है, और जब आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में बना लिए तो अब माइनस को आप अंदर घुसा दीजिए इस प्रकार से। देखिए कैसे, तो i = हो गया dx/√1/√2² - √2x - 1/√2² समझ गए। और अब इसमें देखिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे हम लोग, तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन dx/√a² - x² = sin−1/(x/a) होता है। इसी फॉर्मूला को आप अप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा बाबू, तो आपका हो गया i = sin·x, x के जगह पे √2x - 1/√2 / a, a के जगह पर 1/√2 है। और आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि x के कोफिशिएंट से आपको भाग देना है, तो x का कोफिशिएंट √2 है, आप √2 से दे दीजिए भाग प्लस c, यानी कि क्या बचेगा
आई इक्वल टू वन बाय रूट टू साइन इनवर्स, समझ गए? यहां पर टू रूट टू आपके एलसीएम, तो रूट टू इंटू रूट टू टू, टू टू जा फोर, यानी कि फोर एक्स माइनस वन बाय वन बाय टू रूट टू प्लस सी, ये दोनों कैंसिल, यानी कि वन बाय रूट टू साइन इनवर्स फोर एक्स माइनस वन प्लस सी हो गया, और यही प्यारे बच्चों आपका हो गया आंसर। एक चीज मैं कई बार बोला हूं, फिर से एक बार मैं बोल देता हूं आपको, देखिए जैसे यहां पर मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाया हूं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को बाहर नहीं लिया, समझिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट टू था, इसको बाहर लेकर बनाना था, मैं नहीं लिया हूं प्यारे बच्चों, और प्रभाकर सर को छोड़कर ऑलमोस्ट टीचर या ऑलमोस्ट बुक इसको कॉमन लेकर बनाते हैं, उससे ज्यादा टाइम लगता है, समझ गए, उससे ज्यादा टाइम लगता है, और मैं कभी भी कॉमन लेकर नहीं बनाता हूं, मेरा कम समय में बन जाता है और ज्यादा परफेक्ट बनता है, लेकिन बच्चों आंसर का फर्क पड़ सकता है, समझ गए, आंसर के फॉर्मेट का फर्क पड़ सकता है, इसलिए प्यारे बच्चों यदि मेरे किसी सवाल का आंसर और किसी बुक का या किसी दूसरे टीचर के आंसर का फॉर्मेट एक ही जैसा नहीं रहे, आप परेशान नहीं होइएगा, समझ गए, वो टीचर अपने जगह पर सही है, बुक अपने जगह पर सही है, प्रभाकर सर अपने जगह पर सही है, समझ गए, इसीलिए कभी भी किसी को गलत नहीं कहिएगा, बस फॉर्मेट सही होनी चाहिए। हालांकि अब मैं आंसर को मिला लेता हूं, देखिए आंसर क्या है, बुझ गए आप, नहीं बोलेंगे, चलिए नोट कीजिए, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कहता है कि 1 by under root 3x square plus 5x plus 7, इसको इंटीग्रेट करना है, तो ठीक है बच्चों, आप देखिए कि x square का कोफिशिएंट तो माइनस में है ही नहीं, जब माइनस में नहीं है तो अब आपका काम है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना, तो आइए हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, यानी कि i बराबर आप लिखिएगा dx by अंडर रूट रूट थ्री एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू ए, अब b के जगह आप क्या दीजिएगा ताकि आपका x के बाजू में 5 है, तो एक तो 5 लाना है तो देना ही पड़ेगा, और टू रूट थ्री आपका फालतू का है तो टू रूट थ्री से आप गुना कर दीजिए, बल्कि भाग दे दीजिए, टू रूट थ्री कैंसिल, 5x आपका यहां बच गया, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 5 बाय टू रूट थ्री का होल स्क्वायर, और यदि आप फालतू का जोड़े हैं तो फालतू को घटा दीजिए, और प्लस 7 है आप प्लस 7 लिख दीजिए, अब देखिए तो यहां से यहां तक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, यानी कि डी एक्स बाय अंडर रूट रूट थ्री एक्स प्लस 5 बाय टू रूट थ्री का होल स्क्वायर, और इसको आप कहीं रफ में सॉल्व कर लीजिए, जैसे 7 प्लस में है माइनस 25 बटे 2 × 4 = 4 आपका हो गया 12, नहीं 2 × 4 = 4 = 12, तो 12 × 5 = 60 + 72 = 84 से आपका 84 से 4 गया 80, 80 से आपका 20 गया, तो 80 से 20 गया कितना हो गया बाबू 60, 59, यानी कि 59/12 हो गया, और इसको आप 59/2 रूट 3 का
होल स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं, तो यहां पर देखिए तो पॉजिटिव में ही आ रहा है, यानी कि 59/2√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, बल्कि रूट 59 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा रूट 59, एक बार फिर से मिला लीजिए, 12 × 5 = 72 84 से आपका 25 गया, ठीक है, 84 से 25 गया तो 59 ही होगा, बिल्कुल सही है। चलिए आइए अब देखें तो क्या कीजिए, अब देखें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, तो फॉर्मूला होता है dx/√x² + a² बराबर log mod x + √x² + a², समझे, ये फॉर्मूला हम लोगों को अप्लाई करना है, तो आइए अप्लाई करते हैं फॉर्मूला को, तो अब देखिए तो आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो i = log x के जगह पे √3x + 5/2√3 है + x² + a², यानी को हूबहू इसी को उतार देंगे हम लोग, √√3x + 5/2√3² + √59/2√3² समझिए, हूबहू यही उतार दिए और प्लस सी, लेकिन प्यारे बच्चों एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि x के कोफिशिएंट से आपको भाग देना है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर √3 है तो आपको √3 से भाग देना पड़ेगा, यानी कि 1/√3, और अब देखिए तो आपका क्या मिल गया i = 1/√3 log mod, ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको तो आप रहने दीजिए, समझ गए, इसको आप रहने दीजिए √3x + 5/2√3 + √, एक चीज ध्यान में रहे इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना तो आपका यही वापस आ जाएगा, इसीलिए आप यहां पर इसको सॉल्व मत कीजिए, आप इसको लिख दीजिएगा, आपका हो गया 3x² + 5x + 7 + आपका हो गया सी, और यही आपका हो गया प्यारे बच्चों आंसर, समझिए यही आपका हो गया आंसर, ठीक है, होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी प्यारे बच्चों, अब मैं कहूंगा कि आप इसको नोट कीजिए।